हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है हैव ए लिटल शैडो। शैडो क्या होता है? हमारी जो परछाई होती है उसे क्या कहते हैं? शैडो। तो नाउ स्टार्ट। आई हैव ए लिटल शैडो डैट गोज इन एंड आउट विद मी। लिटल होता है छोटा, शैडो होता है परछाई। तो मेरी एक छोटी परछाई है जैसा कि हम सबकी होती है। दैट गोज इन एंड आउट विद मी, जो हमेशा अंदर और बाहर मेरे साथ आती जाती रहती है। जैसे मैं अंदर जाती हूँ तो वह मेरे साथ अंदर जाती है, बाहर आती हूँ तो बाहर आती है। एंड वट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। और इसके बहुत सारे यूज हैं, जितना कि मैं इसके बारे में सोचती हूँ या देखती हूँ उससे कहीं ज़्यादा इसके यूज होते हैं। ठीक है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। और यह बिल्कुल क्या है? मेरे जैसी है। हिल्स होती है एडी और हेड मतलब सिर। यह एडी से लेकर सिर तक बिल्कुल सेम मेरे जैसी दिखाई देती है। ठीक है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इंटू माई बेड। और जब मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाती हूँ तो यह जम्प करके वह वहाँ मुझसे पहले ही पहुँच जाती है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे देखो। द फनिस्ट थिंक अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। फनिस्ट होता है मतलब मज़ेदार, थिंक मतलब बात, अबाउट मतलब इसके बारे में। तो इसके बारे में सबसे मज़ेदार बात यह है कि इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, कि यह किस तरीके से, वे होता है तरीका, यह किस तरीके से बढ़ती है, जो परछाई है वह किस तरीके से बढ़ती है, यह बात इसके बारे में सबसे मज़ेदार है। Not at all like proper children, which is always very slow. Not at all like proper children. जो बच्चे होते हैं, जो proper तरीके से बढ़ते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? Slow बढ़ते हैं, मतलब धीरे से बढ़ते हैं। लेकिन जो परछाई होती है उसके बारे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह कभी तो जल्दी बढ़ जाती है, कभी छोटी हो जाती है। ठीक है। For he sometimes shoot up taller like an India rubber ball. Sometimes होता है कभी कभी, taller मतलब लंबी या बड़ी। तो यह कभी कभी इतनी लंबी दिखाई देती है जैसे कि एक रबर की बॉल होती है, जो जिसको हम जंप करवाते हैं तो वो एकदम से लंबी हो जाती है, ऊपर करते हैं तो परछाई कभी ऐसे ही होता है, वो एकदम से क्या होती है? लंबी दिखाई देती है। ठीक है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी यह इतनी छोटी दिखाई देती है, लिटल मतलब छोटा, कि मानो इसके जैसी कोई चीज़ नहीं हो, मतलब इतनी छोटी दिखाई देती है कभी कभी कि मानो इसकी जितनी कोई भी छोटी चीज़ ना हो। ओके। आगे देखो। ही हैज़ नॉट गोट ए नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ओट टू प्ले। नोशन होता है मतलब नज़रिया या सोच या विचार। तो इसका कोई अपना नज़रिया नहीं है या अपनी सोच नहीं है, किसकी? परछाई की। ऑफ हाउ चिल्ड्रन ओट टू प्ले, की जो बच्चे हैं वो कैसे खेलते हैं, इसके बारे में इसे कोई जानकारी नहीं है या इसकी कोई सोच नहीं है। ठीक है। एंड कैन ओनली मेक ए फूल ऑफ मी इन एवरी शॉर्ट ऑफ वे। फूल होता है मतलब मूर्ख या किसी को बेवकूफ बनाना। ठीक है। एवरी मतलब सभी को, वे मतलब तरीके से या ढंग से। तो यह केवल हमको, मेक मतलब बनाना, यह हम सबको क्या करती है? सिर्फ बेवकूफ या मूर्ख बनाती है हर तरीके से। मतलब इसको खुद को कुछ नहीं करना होता या कुछ नहीं करना आता, जो करते हैं वो हम करते हैं। जैसे हम दौड़ते हैं तो ये दौड़ने लगती है, क्लैपिंग करते हैं तो क्लैपिंग करती है, रनिंग करते हैं तो रनिंग करती है। इसका खुद का
खुद कुछ नहीं करना होता, सब हम करते हैं, तो यह केवल हमको क्या करती है, बेवकूफ़ बनाती है। ओके डन, समझ में आया सभी को? अब ये जो साइड में हमने लिख रखे हैं 10-12 वर्ड मीनिंग, ये सभी बच्चों ने अपने फेयर नोटबुक में क्या करना है, राइट डाउन करना है, और वो भी सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन लिखना है। और होमवर्क है लिखने का अलग कॉपी में, फेयर कॉपी में नहीं, अलग से कोई कॉपी लगानी है, रफ कॉपी या कोई पहली की कॉपी हो, उसमें शुरू से लेकर एंड तक जो हमने आज पढ़ा है, जो भी 3 स्टैंड जहाँ हमने पढ़े हैं, उनकी क्या करनी है, हिंदी लिखनी है। इंग्लिश लिखो पहले, उसके नीचे उसकी लाइन की हिंदी, ठीक है, ये सभी ने करना है। और मैं फीडबैक में ये तुम्हारा चेक भी करूँगी। ओके, थैंक यू।